हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेलवेट एजुकेशन बाय अनुज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 1, जिसका कि ये पार्ट 2 है। ठीक है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स टर्म 1 का। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पिक्चर ड्राइंग में जैसा कि हमने देखा, टू टाइप्स के जनरली पिक्चर्स ड्रॉ करे जाते हैं। टू टाइप्स के टूर्नामेंट्स के पिक्चर ड्रॉ करे जाते हैं, नॉकआउट के और लीग टूर्नामेंट के। ठीक है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट जो है उसमें दो तरह से हम करते हैं। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है, बाय एंड सीडिंग देते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, दो तरह से बाय और सीडिंग बताऊँगा। ठीक है, लीग टूर्नामेंट दो टाइप्स के होते हैं, साइक्लिक एंड स्टेयरकेस। ठीक है, तो फिक्चर्स नॉकआउट टूर्नामेंट के टू टाइप्स के फिक्चर हो गए, बाय एंड सीडिंग फिक्चर्स। ठीक है, और लीग टूर्नामेंट के भी टू टाइप्स के हो गए, साइक्लिंग एंड स्टेयरकेस फिक्चर्स। ठीक है, तो पहला नॉकआउट टूर्नामेंट का हम बाय द हेल्प ऑफ बायस देख लेते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो फिक्चर ड्राइंग में सबसे पहले तो नंबर ऑफ टीम्स हमें देखना होगा। जैसे लेट नंबर ऑफ टीम्स इक्वल टू 6। ठीक है, सो नंबर ऑफ, देखिए दो टाइप से डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा ये मान लीजिए नंबर ऑफ टीम्स 6 टीम्स लिख ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, 6 टीम लिखी यहाँ पे। अब इसी में दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। ठीक है, दिस इज अपर हाफ, अपर हाफ एंड दिस इज लोअर हाफ। ठीक है, सो अपर हाफ में 5-6 टीम है, तो इन्हें इक्वल अमाउंट में डिवाइड करना होता है। तो जो अपर हाफ और लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है फॉर इवन नंबर्स ऑफ टीम, देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इवन नंबर यानी 6 इज़ अ इवन नंबर। सो फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए हम फिक्चर्स ड्राइंग देख रहे हैं। ठीक है, सो जो अपर हाफ और लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है वो एन बाई टू और एन बाई टू होता है। ठीक है, तो एन बाई टू करेंगे तो 6/2 आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ बाइस, बाइस क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का वो होता है जिससे कि हम एक स्पेशल उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि डायरेक्टली जो टीम है वो नेक्स्ट राउंड में उतरती है, ना कि राउंड 1 में। ठीक है, तो बायस वो है जो टीम्स राउंड 1 में ना खेलने की बजाय डायरेक्टली राउंड 2 में अपीयर होती है। ठीक है, बायस निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बायस 2^(n-n), वेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीम्स। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, और ये स्मॉल एन क्या है, मान लीजिए देखिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपकी 6 हैं, तो स्मॉल एन क्या है, एन इज अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर। ठीक है, सो एन की वैल्यू हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज पर नीड रख सकते हैं। सो हमने जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी तो 2 आ गया। अगर 2-6 करेंगे हम तो नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हमें बस n की वैल्यू वो रखनी है जिससे कि हमारी जो बायस हैं वो नेगेटिव ना आए। तो n की वैल्यू वो लिस्ट से लिस्ट रखनी है जिससे कि हमारी नंबर ऑफ बायस पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, सो यहाँ पे 2^3 रखेंगे तो वो आएगा 8। ठीक है, और 8-6 करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टीम्स तो n है ना, तो 2^3 विच इज़ n। ठीक है, माइनस 6 गिव्स यू 2, यानी 8-6 गिव्स यू 2। और जो ये n है इसे ही हम नंबर ऑफ राउंड्स कहते हैं, तो 2n क्या है, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2n रखनी पड़ती है हमें। ठीक है, किससे, n से। ठीक है, सो नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो, ये जो 2^n है वो जो n होता है वो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2^3 रखा तो हमारे जो फिक्चर्स ड्राइंग है राउंड्स कितने होंगे, 1st, 2nd, 3rd, देयर इज 3 राउंड्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे n = 4 है तो टीम 1, 2, 3, 4 में डिवाइड हो गई। अब हमें देख लीजिए क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ देखनी है हमें। जैसे ये है मान लीजिए 6 नंबर ऑफ टीम्स है, हमने ये देखा कि राउंड 3 होंगे तो पहले आप 3 राउंड लिख लीजिए। ठीक है, राउंड 3 होंगे। अब हमें नंबर ऑफ बायस निकालनी थी, तो नंबर ऑफ बायस का फॉर्मूला क्या था, 2^n-n। ठीक है, तो n यहाँ पे 3 रखेंगे क्योंकि
यहाँ पे एन सिक्स है, तो यहाँ पे एट माइनस सिक्स यानी टू आ जाएगा, दो बाइस देनी है। अब बाइस देते कैसे हैं, बात ये है, ठीक है। तो बाइस देने का यहाँ पे एक रूल होता है, वो रूल होता है, ठीक है, जो बी वन सबसे पहली बाय आप लोअर हाफ की लास्ट टर्म को देंगे, ठीक है, सेकेंड बाय आप अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को देंगे, थर्ड बाय आप लोअर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को देंगे, और फोर्थ बाय आप अपर हाफ की लास्ट वैल्यू को। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट बाय है वो अपर हाफ लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को देना है, जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है। फर्स्ट बाय है वो लोअर हाफ की सबसे नीचे वाली वैल्यू को देना है, और सेकंड बाय अपर हाफ की सबसे फर्स्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। देखिए, अब लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को बी वन दे दिया, तो अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को हमें बी टू देना पड़ेगा। सो बाइस हो गई, क्योंकि टोटल नंबर बाइस तो टू थी, दो बाइस तो दे गए, आगे फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब ये बाइस हो गई, जैसे मैंने बोला वो फर्स्ट राउंड में मैच को नहीं प्ले करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड में तो आएंगे नहीं, सेकंड राउंड में डायरेक्ट उतरेंगे। जैसे टू और थ्री में से मान लीजिए टू विनर हुआ, फोर और फाइव में से फाइव विनर हुआ, ठीक है। अब ये सेकंड राउंड में ये बी टू के संग, यानी जिसे बाय मिली है, यानी वन के संग टू होगा, मान लीजिए वन जीत गया, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बाईस वाली टीम जीते। बाईस तो बस हमने इसलिए दिए हैं ताकि नंबर ऑफ टीम्स का अरेंजमेंट सही रह सके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसीलिए हमने बाईस दी है, ठीक। अब जैसे बी वन को फाइव के संग किया, वन से फाइव जीत गया, ठीक है। दिस इज़ द मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, अगर नंबर ऑफ टीम्स फोर हों, तो जैसे टू की पावर एन माइनस एन करते हैं, ठीक है। एन क्या है, फोर ले लिया जैसे हमने, तो यहाँ टू की पावर टू आएगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव वैल्यू जीरो एक पॉजिटिव वैल्यू है आल्सो, ठीक है। तो टू की पावर टू करेंगे, फोर माइनस फोर बिकम्स ज़ीरो, नंबर ऑफ बाइस ज़ीरो। तो बाइस ही नहीं देनी हमने, फर्स्ट से टू को मैच कराया, थ्री से टू को जो जी विनर हुआ उसका मैच करा दिया, बस बात खत्म, ठीक है। फोर ऑड नंबर ऑफ टीम्स, ऑड नंबर ऑफ टीम्स जैसे एन इज इक्वल टू मैंने ले लिया नाइन। अब इसे आप ध्यान से सुनिए, ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए हम बाइस कैसे देंगे, ठीक है। सो ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए जो बाइस देने का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, ठीक है। बाइस देने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ अपर हाफ और लोअर हाफ का डिवीज़न का फॉर्मूला नया हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ़ टीम्स मैंने नाइन ले ली, तो नंबर ऑफ़ टीम्स इन अपर हाफ कैसे डिवाइड करेंगे हम, एन प्लस वन बाय टू, यानी नाइन प्लस वन बाय टू मीन्स नाइन प्लस वन टेन, टेन बाई टू यानी फाइव मीन्स फाइव। नंबर ऑफ़ टीम्स इन लोअर हाफ में कैसे देखेंगे, एन माइनस वन बाय डिवाइडेड बाई टू, यानी नाइन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू यानी फोर, ठीक है। सो यानी अपर हाफ में जो टीम डिवाइडेड होंगी वो फाइव होंगी, जैसा कि हमें यहाँ से फाइंड किया, ठीक है। जो लोअर हाफ में डिवाइड होंगी वो फोर टीम्स डिवाइड होंगी, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर दी। अब नंबर ऑफ बाइस देने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, टू की पावर एन माइनस एन, यहाँ पे एन हमारे पास नाइन है, तो टू की पावर थ्री करने पे देखिए एट आएगा, और एट माइनस नाइन माइनस वन हो जाएगा, तो टू की पावर फोर करेंगे जो सिक्सटीन आएगा, सिक्सटीन माइनस नाइन आपका सेवन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बाइस आपके लिए यहाँ पे सेवन आ जाएंगी, ठीक है। अब ये भी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स क्या है, टू की पावर एन बोला था, यहाँ पे एन फोर हो गया, देखिए ध्यान से देख लीजिए, तो नंबर ऑफ राउंड्स आपके, नंबर ऑफ राउंड्स आपके फोर हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स आपके फोर हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ का फॉर्मूला होता है बी माइनस वन बाय टू, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ बाइस यहाँ पे सेवन है, तो सेवन माइनस वन यानी सिक्स माइनस वन बाई टू यानी थ्री, ठीक है। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ बाइस इन लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है बी प्लस वन बाई टू। इसमें कन्फ्यूज मत होना, देखिए नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ और लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ, एक में प्लस है एक में माइनस है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे थ्री आ गया, यहाँ पे फोर आ गया, ठीक है, बाईस का। अब जैसे फिक्चर्स ड्राइंग की तरफ चलते हैं, अब पहले तो नाइन टीम्स आपने डिवाइड कर ली इस तरह से, ठीक है, नाइन टीम्स आपने डिवाइड कर ली, राउंड आपने वन टू थ्री फोर कर लिए, ठीक है। अब बाईस आपको कितनी मिली थी, बाईस थी आपकी सेवन, तो जैसा अकॉर्डिंग टू रूल बी वन अपर हाफ की लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को, बी टू अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, बी थ्री लोअर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, बी फोर अपर हाफ की लास्ट वैल्यू को, ठीक है। फिर
उसके बाद वैसे ही रिपीटेड हो जाएगा, जैसे लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू बी फाइव, बी सिक्स अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू बी सेवन, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ राउंड्स आपके फोर ही होने हैं, जैसे अब कि हमने यहाँ पे निकाला कि नंबर ऑफ राउंड्स आपके फोर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राउंड। ठीक है, तो अब देखिए थ्री, अब बाईस वाली टीम फर्स्ट राउंड में देखिए कोई किसी ने भी मैच नहीं खेला है, ओनली द मैच प्लेड बिटवीन थ्री एंड फोर विच इज़ विनर थ्री। देखिए विनर हम अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं, फोर लिख सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वाई यू राइट एट दैट प्लेस ओनली थ्री। ठीक है, तो बी टू और बी सिक्स में से हम सेकेंड राउंड में दोनों को उतारेंगे, मान लीजिए बी टू मीन्स वन यहाँ विनर है, ठीक है, और थ्री यहाँ पे विनर हो गया फर्स्ट राउंड में, थ्री और फाइव में मैच कराएंगे, मान लीजिए थ्री यहाँ पे विनर है, यहाँ बी थ्री और बी सेवन में कराएंगे, तो बी सेवन यानी सेवन टीम यहाँ पे विनर है, तो यहाँ पे एट और नाइन के बीच में कराएंगे, तो यहाँ पे बी वन यानी नाइन, नाइन्थ टीम आपकी यहाँ पे विनर है। ठीक है, अब इसमें कराएंगे राउंड, थ्री विनर है मान लीजिए, यहाँ पे सेवन विनर है, थ्री और सेवन फोर्थ राउंड, ये फिक्सर्स हो गया आपका नॉकआउट टूर्नामेंट्स का कम्प्लीट। ठीक है, अब इसमें ये भी आता है कि डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स में डिवाइड कर देते हैं टीम्स को, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाई फोर कर देते हैं, जो भी नंबर दे रखा होगा आपको क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए उसे डिवाइडेड बाई फोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से डिवाइडेड बाई फोर कर देते हैं, जैसे सेवन डिवाइडेड बाई फोर 28, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए एक और आता है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट के लिए यूज होता है जिसमें डिफीटेड टीम्स वन मोर चांस लेती है, जैसे हमने मान लीजिए मैच कराया नॉकआउट टूर्नामेंट के बीच में, ठीक है, तो मान लीजिए उसमें से फोर विनर आया, भाई डिफीट कौन हुआ, फर्स्ट राउंड में जो डिफीट हुआ वो थ्री हो गया, ठीक है, और आपका फाइव हो गया, थ्री और फाइव के बीच में मैच कराएंगे और जो विनर आएगा उसका फोर के संग मैच कराएंगे। ठीक है, बस कॉन्सोलेशन राउंड में ये है। अब देखिए बाईस दे दी, अब एक सीडिंग मेथड भी होता है। ठीक है, सीडिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग टीम्स मे बी पेयर्ड विद बिग टीम रेस्पेक्टिव अपर और लोअर। ठीक है, वही है, स्ट्रॉन्ग टीम मे बी पेयर्ड विद वीक टीम्स। ठीक है, सीडिंग वही है जैसे 22 था, वही सीडिंग है कि डायरेक्ट फर्स्ट राउंड में ना उतर कर सेमीफाइनल या फाइनल में वो चीज़ उतरेंगे। ठीक है, सीडिंग टीम में भी डायरेक्टली प्लेस इन सेकंड राउंड। ओके, स्पेशल सीडिंग क्या है, टीम इज़ डायरेक्टली प्लेड द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। स्पेशल सीडिंग दे दी गई ना, तो डायरेक्ट वो सेमीफाइनल या फाइनल में उतरेगी टीम। जैसे अभी मान लीजिए आईपीएल हो रहा है और आईपीएल में कोई ऐसी टीम मिले आपको जो डायरेक्टली सेमीफाइनल में प्ले करे, तो इसे बोलेंगे हम, उसे स्पेशल सीडिंग दे दी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसका फिक्चर। तो सीडिंग मेथड में बस आपको एक रूल याद रखने की ज़रूरत है, जो कि वो रूल है आपका ये वाला। ठीक है, सीडिंग मेथड जिसे देते हैं एस वन अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, जो फर्स्ट सीडिंग है वो अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, देखिए उसमें अलग था, उसमें जो बी वन दे रहे थे वो लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को दे रहे थे सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, ठीक है, एस टू देंगे लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को, वहाँ पे अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को दे रहे थे एस टू। ठीक है, अब यहाँ पे लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को, एस थ्री देंगे लोअर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को, एस फोर देंगे अपर हाफ की लास्ट वैल्यू को, जैसे कि हमने यहाँ दे रखा है। ठीक है, एस वन कैसे दिया, अपर हाफ की फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, एस टू कैसे दिया, लोअर हाफ की लास्ट वैल्यू को एस टू। ठीक है, अब देखिए एस टू के आगे मैंने बी वन लिख दिया मैंने, यानी आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से समझाया है। ठीक है, एस टू और बी टू में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि एस वन जिधर देंगे उससे उल्टा हम बी टू देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये अलग मेथड है, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, सीडिंग और बाय अलग है। ठीक है, एस थ्री हो गया, एस फोर हो गया, ऐसे हम देते जाएंगे और बाकी उसी की तरह सेम एस प्रीवियस ही आपका रहेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लीग टूर्नामेंट। तो लीग टूर्नामेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग टू ड्रॉ द फिक्चर्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। फर्स्ट मेथड इज साइक्लिंग मेथड, सेकंड मेथड इज स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, इन साइक्लिक मेथड्स देयर इज स्टेप्स फॉर इवन टर्म टीम्स। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ इवन टीम्स। सो लेट नंबर ऑफ टीम्स बी सिक्स विच इज़ अ इवन नंबर।
नंबर ऑफ मैचेस क्या होंगे, द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मैचेस विल बी एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू विच बिकम्स 15. जैसे एन यानी 6, एन वैल्यू इज 6, एन माइनस वन 5 हो गया डिवाइडेड बाई टू, ये 3 गया, 3 5 जा 15, यानी नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 15 होंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 का 6 के संग हुआ, 2 का 5 के संग, 4 का 3 के संग, ऐसे हमारे पास कितने राउंड है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके 5 राउंड्स हैं, क्योंकि लीग टूर्नामेंट में एवरी टीम प्लेज विद एवरी सिंगल टीम, तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स देखे कितने ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ मैचेस कितने ज़्यादा हो गए, 15 मैचेस, ठीक है. और वहीं अगर 6 टीम्स नॉकआउट टूर्नामेंट्स में होती तो नंबर ऑफ मैचेस ओनली 5 ही हमारे पास होते, ठीक है. नंबर ऑफ राउंड्स फॉर्मूला निकालना क्या है, एन माइनस वन, 6 माइनस 1 आप 5 नंबर ऑफ राउंड्स का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा. अब इसका फ्रैक्चर स्ट्रोक कैसे करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ टीम्स में जो वन फर्स्ट टीम है उसे आप फिक्स कर लीजिए, फर्स्ट टीम को फिक्स कर लीजिए, और एक साइक्लिक मेथड नाम है ना इसका, साइकिल की तरह उसके नीचे 2 3 4 5 एंड 6 लिख दीजिए, ठीक है. अब उसे साइकिल दे डाउनवर्ड ऐसे ऐसे, अब सेकंड में आप 1 को तो फिक्स रखे नहीं रहने देंगे, लेकिन इस 6 को इधर ले आएंगे, ठीक है, 6 को इधर ले आएंगे और एक एक ही शिफ्ट होते जाएंगे. जैसे 6 इधर आ गया, 5 ऊपर पहुंच गया, 4 ऊपर चले गया, 3 इधर आ गया और 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, ठीक है. अब 1 को फिक्स रखना है, फिर से 5 को इधर ले आइए, ठीक है. ये हो गया आपका राउंड 3rd, राउंड 4 आपका, 1 को फिक्स रखना है, 4 को आप इधर ले आइए, 4 5 6 2 3, ठीक है. राउंड 5 आपका, 1 को फिक्स रखना है, 2 3 को इधर ले आइए, ठीक है, 3 को इधर ले आइए, ठीक है, 1 3 4 5 6 2 हो गया, ठीक है. सो ये हो गया आपका साइक्लिक मेथड, ठीक है. अब और नंबर ऑफ टीम्स के लिए क्या करेंगे, लेट और नंबर ऑफ टीम्स भी 5, ठीक है. नंबर ऑफ मैचेस एन एन माइनस वन बाई टू विच इज 10 आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ राउंड्स एन, उसमें नंबर ऑफ राउंड्स एन माइनस वन होते थे, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स एन है, डिफरेंस यही है, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट टीम को जो हम फिक्स कर देते थे उसको फिक्स करने के बजाय हम एक बाइज को फिक्स कर देते हैं. बाइज का मतलब है वो टीम उस साइक्लिक के दौरान प्ले नहीं करेगी, जैसे 5 को बाय मिल गई, यानी 5 उस टाइम पे प्ले मैच नहीं करेगी, ठीक है. ऐसे ही आपके राउंड्स देखते जाइए होते जाएंगे, ठीक है. अब साइक्लिंग मेथड हो गया. अब स्टेयर केस मेथड देख लेते हैं. स्टेयर केस में स्टेप्स फॉर ऑड एंड इवन दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है. स्टेयर केस में स्टेप्स फॉर ऑड एंड इवन दोनों सेम रहते हैं, ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स अगर n इजल टू 5 ले दिया तो टोटल मैचेस n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 10 हो गए, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ राउंड्स n माइनस 1 हो जाएंगे, ठीक है. स्टेयर केस में आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए 1 को फिक्स रख दिया, 1 के संग 2 3 4 5 कर दिए, 2 को फिक्स रख दिया, 3 4 5 कर दिए, 3 को फिक्स रख दिया, 4 5. अब सर 3 के संग 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका मैच तो पहले ही हो गया. 3 के संग 2 बोल दीजिए, 2 के संग 3 बोल दीजिए, बात तो सेम है, ठीक है. 4 को और 5 स्टेयर केस बन जाता है, एक स्टेयर से बन जाते हैं, सीढ़ी सी बन जाती है, इसलिए इसे स्टेयर केस मेथड हम कहते हैं, ठीक है. अब जैसे हम देख सकते हैं मेथड फॉर डिसाइडिंग विनर इन लीग टूर्नामेंट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ डिसाइडिंग द विनर्स इन लीग टूर्नामेंट. फर्स्ट मेथड इज ब्रिटिश मेथड, ठीक है. तो ब्रिटिश मेथड में क्या होता है, जो फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स का, टोटल पॉइंट्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100, ठीक है. कितने उसके पॉइंट्स आए हैं और क्या टोटल पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए टोटल हम किसी मैच में 16 पॉइंट्स ला सकते थे और हमारे 12 आए हैं, इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ब्रिटिश मेथड हो गया, ठीक है. और अगर अमेरिकन मेथड देखना है तो मैचेस वन अपॉन मैचेस प्लेड, इसमें मैचेस में बात होती है. जैसे 4 मैचेस थे, 2 मैचेस आप विन किए, ठीक है. मैचेस वन है ना, मैचेस वन ऑफ डिवाइडेड बाई मैचेस प्लेड, ठीक है. दिए गया तो अपने 50% विनर आप लीग टूर्नामेंट के हो गए, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है. आगे के चैप्टर्स आपको इसमें ही सीरीज में मिलते जाएंगे. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.